हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी ने इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच जीत लिया है। अब क्या ही बोले। इन जो पांच मैच का टेस्ट मैच था, इंडिया ने बोला मैच को लगभग दो दिन और हाफ दिन में ख़त्म ही कर दिया। अब क्या ही कहना कि जिस तरह से इंडिया बैट्समैनों ने और इंडिया बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इन्होंने टेस्ट मैच को तो T20 मैच बना दिया है। तो चलिए पहले आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से वाला मैच हुआ है और इसका स्कोर कार्ड, थोड़ा सा इसका बैट्समैन लोगों का रन, बॉलर्स लोगों का परफॉर्मेंस, चलिए आपको बताते हैं। तो बांग्लादेश ने पहला बैटिंग करते हुए 223 रन बनाए और जवाब में इंडिया ने बनाए 285 रन और डिक्लेयर दे दिया। और सेकेंड इनिंग्स में बांग्लादेश ने बनाए 146 रन और इस तरह से टीम को बहुत ही कम रनों का टारगेट मिला। तो इस तरह से इंडिया ने बनाए 98 रन। तो इंडिया ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। तो इसमें बोलने से कि बल्लेबाजों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहा। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि इंडिया का बैट्समैन का परफॉर्मेंस कैसा रहा और बांग्लादेश का बैट्समैन का परफॉर्मेंस कैसा रहा। बोलने से पहला इनिंग्स में बांग्लादेश की तरफ से मोमिनल ने 107 रन बनाए और इस तरह से टीम का स्कोर लगभग 233 रन हो सका। और देखेंगे कि अब से इंडिया का फर्स्ट इनिंग्स में कौन सा बल्लेबाज ने अच्छा बैटिंग किया। बोलने से यशस्वी जायसवाल ने 72 रन बनाए, शुभम गिल ने 39 रन बनाया, केएल राहुल ने 68 रन बनाया, विराट कोहली ने 46 रन बनाया फर्स्ट इनिंग्स में। और वही चीज़ देखते हैं कि बांग्लादेश का सेकेंड इनिंग्स में क्या हुआ। और ये देखिए, बांग्लादेश का सेकेंड इनिंग्स 146 रन पर ही सिमट गई। जैसे कि सदाम इस्लाम, जिन्होंने 50 रन बनाए, और बोलने से मुशफिकुर रहीम, जिन्होंने 37 रन बनाए अपने सेकेंड इनिंग्स में। और फिर इंडिया को कम से कम 99 रनों का टारगेट मिला। अब इंडिया का बैट्समैन जो इतना कम स्कोर था, उन्होंने उसमें किस बैट्समैन ने कैसा परफॉर्म किया, उसमें यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 51 रन बनाए, विराट कोहली जिन्होंने 29 रन बनाए और यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। तो अभी इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं यशस्वी जायसवाल और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। तो इस बार इंडिया ने टेस्ट मैच नहीं खेला है, इस बार इंडिया ने टेस्ट मैच में ODI जैसा परफॉर्म किया है। और इस बार तो मुझे लगता है कि इंडिया टीम ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है, जो इन्होंने कि 3 ओवर में 50 रन बना दिए हैं। इतना टेस्ट मैच लोग टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, ये लोग इंडिया मतलब कि बॉलर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया टीम। तो चलिए, ये टेस्ट मैच तो इंडिया 2-0 से जीत चुकी है। अब देखना कि आगे का परफॉर्मेंस इंडिया कैसे करती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये ला वीडियो में बस इतना ही। ऐसी आगे भी ऐसा छोटा मोटा अपडेट सब और वीडियो सब लाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।